जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। गगनयान मिशन को लेकर हमारे अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि सिर्फ दो एस्ट्रोनॉट को ही स्पेस में भेजने के लिए गगनयान मिशन का बजट 10,000 करोड़ रुपीज़ क्यों रखा गया है, और अगर गगनयान के सक्सेसफुल होने के बाद हम दोबारा एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेंगे क्या तब भी इतना ही पैसा खर्च होगा। तो देखिए, SpaceX दो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए अप्रॉक्स 1,000 करोड़ रुपये चार्ज करता है, और वहीं रशिया 1200 से 1300 करोड़ रुपये। बट गगनयान में इतना ज़्यादा पैसा इसलिए लग रहा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रू मॉड्यूल, कई तरह के टेस्टिंग, ग्राउंड स्टेशन, ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम डेवलप किया जा रहा है। और गगनयान मिशन भी तो तीन पार्ट में होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड में इसरो टेस्टिंग करने के लिए इस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट की जगह रोबोट को बिठाकर रॉकेट से लॉन्च करेगा, एंड देन फाइनल मिशन में एस्ट्रोनॉट को। लेकिन एक बार जब गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो गया तब हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज नहीं लगेगा, क्योंकि हर बार एस्ट्रोनॉट भेजने से पहले गगनयान 1 की तरह दो बार अनक्रूड मिशन नहीं किया जाएगा।